हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं चुपमय, सो आप देख रहे हो मोटर स्पीड इंडिया। सो आज मैं ब्लॉग करने आया हूँ बेसिकली टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर के ऊपर। सो डिटेल ब्लॉग करेंगे, देखेंगे कितना अच्छी है गाड़ी, क्या क्या आपको फीचर्स में। चालू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि दिस कार इज कर्टेसी फ्रॉम इन्फिनियम टोयोटा। यस, सो बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस के लिए अगर चाहते हो तो प्लीज़ विजिट द इन्फिनियम टोयोटा। इनके 7 ब्रांचेस है गुजरात में, अक्रॉस गुजरात, जो है 2 तो अहमदाबाद के अंदर ही है और एक मेहसाना, एक आपको राजकोट में मिल जाता है, बड़ोड़ा। सो ये अब अक्रॉस गुजरात फैला हुआ है। सो प्लीज़ विजिट फॉर द ग्रेट डील्स। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग राइट अवे। अर्बन क्रूजर हाई राइडर का फ्रंट दिखाया था, ऐसा कुछ दिखता, बट इससे पहले मैं आपको कीज़ दिखाना चाहूँगा जिसमें आपको लॉक अनलॉक का बटन देखने के लिए मिल सकता है और पीछे टोयोटा का लोगो। फ्रंट दिखा है तो बहुत ही मैसिव है, सच बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। समहाउ पूरा पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ आपको देखने के लिए मिल सकता है। टोयोटा का ब्रांडिंग विच मीन्स रिलायबिलिटी, ओ ये। फ्रंट देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सच जो नए डिज़ाइन आ रहे हैं गाड़ियों के, जो स्प्लिट हेडलैम्प्स यूनिट होते हैं वो इधर कैरी फॉरवर्ड किया गया है। सच जो ऊपर आपको DRL और टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिल सकता है, जो LED है बेसिकली, ऑफ कोर्स उसके नीचे आपको हेडलैम्प्स देखने के लिए भी मिल सकते हैं जो एक्चुअल में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है और वाइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो फ्रंट पूरा LED यूनिट है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और नीचे देखा जाए तो इधर आपको ग्रेस टाइप ऑफ फिनिश देखने के लिए मिल सकता है सच बम्पर में, और पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ बहुत किया गया है फ्रंट में और समहाउ क्लासी लग रहा है। यस, ग्रिल में भी पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया विद सम क्रोम एलिमेंट। यस, सटल लुक है, बहुत अच्छा लग रहा है, थम्स अप फॉर दैट। और साइड प्रोफाइल से दिखाना चाहूँगा, साइड प्रोफाइल ऐसा कुछ दिखता है गाड़ी का, बहुत ही अच्छा लग रहा है बेसिकली देखा जाए तो। और जो स्टैंड है बड़ी गाड़ी का प्रॉपर SUV टाइप लुक इधर दे दिया गया है फॉर श्योर। और इन दिस वाइट कलर वो लुक उभर के आ रहा है समहाउ। जो टायर साइज देखा जाए तो इसमें आपको मिल जाता है 215, 60 और 17 इंच के टायर्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है फॉर दिस टाइप ऑफ कार। 17 इंच इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। और इधर आपको अलॉय व्हील्स के डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा लग रहा है जो लुक है। और इधर आपको ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है एज़ पर द सेफ्टी नॉर्म्स, ये मैंडेटरी कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। और पीछे से देखा जाए तो और भी सुंदर लग रही है बिकॉज वो जो टेल लैम्प्स है इट्स अमेजिंग, बहुत ही अच्छे से स्लीक लुक दे दिया गया है। LED टेल लैम्प्स आपको देखने को मिल सकता है, बस आपको पीछे का इंडिकेटर्स बल्ब में मिलते हैं और साथ ही साथ रिवर्स जो लैम्प है वो, बाकी सब आपको LED देखने के लिए मिल सकता है पीछे। और ख़ास करके ये जो डिज़ाइन एलिमेंट है पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है टेल लैम्प्स के मर्ज करके, वो तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो रात को ये गाड़ी बहुत ही फैब लगेगी मेरे हिसाब से तो। यस, इधर आपको कैमरा देखने के लिए मिल सकता है टोयोटा का लोगो। हाँ, बाय द वे मैं एक चीज़ तो दिखाना भूल गया आपको, कैमरा आपको आगे भी देखने के लिए मिल सकता है। यस, सो इसका मतलब आपको इसके अंदर 360 डिग्री पार्किंग कैमरा देखने के लिए मिलेगा। हैज़ द सेम केस आपको पावर विम्स के अंदर भी मिल जाते हैं। पावर विम्स एक्चुअल में देखा है तो पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है सेम एज द रूफ। रूफ में भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ देखने के लिए मिल सकता है, आपको ऊपर देखने के लिए मिल सकता है। एंड हैंड स्टॉम्प लैम्प, इधर आपको रेयर वाइपर देखने के लिए मिल सकता है एंड डिफॉगर। सो रेगुलर बिट्स आपको मिलते ही हैं ऑफकोर्स। दिस इज द वी वेरियंट न्यू ड्राइव, बहुत ही अच्छा लुक दे दिया गया है मेरे हिसाब से तो। फ्रंट और बैक बहुत ही अट्रैक्टिव है। और समहाउ इसका मेन प्लस पॉइंट मुझे इसका हाइट लगा, जो बेसिकली बहुत ही अच्छा है। यस, सो इधर से आप पेट्रोल फिल करोगे। सो लेट्स ओपन द बूट राइट अवे, देखते हैं कि कितना स्पेस मिल जाता है आपको। सो बूट आपको डिसेंटली मिल जाता है मेरे हिसाब से तो, 2 बड़े बैग्स और एक मीडियम साइज बैग आराम से इसके अंदर आ सकता है। सो स्पेयर व्हील देखा जाए तो आपको इसमें साइज़ मिल जाता है 215, 60 और 17, तो फुल साइज स्पेयर व्हील आपको देखने के लिए मिल सकता है, विच इज़ अमेजिंग थिंग, बहुत कम ब्रांड्स करते हैं मेरे हिसाब से तो। इधर आपको कभी स्पेस देखने के लिए मिल सकता है। यस, और सेम एज द केस आपको इधर
थोड़ा सा कभी स्पेस देखने के लिए मिल सकता है। लाइट्स राइट ओवर हियर जो आप ऑन ऑफ कर सकते हो आपके अनुसार। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट राइट ओवर हियर। इधर आपको हुक मिल जाता है, आई थिंक सो 3 kg लिमिट होगा। सो या इट्स अ ग्रेट प्रैक्टिकल कार, सो बहुत ही अच्छा लगा। सो लेट्स टेस्ट आउट द रियर सीट्स, देखते ही पीछे आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं और क्या स्पेस देखने के लिए मिल सकता है। सो पीछे आते ही आप नोटिस करोगे कि इधर आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स देखने के मिल सकते हैं विद पियानो ब्लैक फिनिशिंग राइट ओवर हियर। उसके जस्ट नीचे आपको इधर आपको 1 लीटर बॉटल आप इधर से आराम से रख सकते हो विद सम स्नैक्स राइट ओवर हियर रख सकते हो आप। ऑफ कोर्स कभी स्पेस आपको देखने के मिल सकता है और सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया गया है विच विथ वाइट स्टिचिंग। यस सो बहुत प्रीमियम लग रहा है मेरे हिसाब से, तो पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया गया है। क्रोम गार्निशिंग दे दिया गया है डोर हैंडल्स पे जो कि बहुत बेहतरीन बात है। सो लेट्स क्लोज इट, क्लोज इट विद अ प्रॉपर थर्ड। यस सो इधर आपको मैगजीन होल्डर देखने के लिए मिल सकता है। सीट्स आर नॉट स्कूप्ड आउट बट बहुत अच्छा लेग रूम दे देता है फॉर श्योर, आप देख ही पा रहे होंगे। यस सो हेडरूम के मामले में भी कोई इश्यू नहीं है सच, फैबलेस हेडरूम आपको देखने के लिए मिल सकता है इसके अंदर। और साथ ही साथ फीचर्स के बात किया तो पीछे आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल सकता है रेयर एसी वेंट्स विद कंट्रोलर टाइप सी के, आपको दो चार्जिंग पॉट्स देखने के लिए मिल सकते हैं नीचे मोबाइल के लिए। बहुत ही डीप स्पेस आपको अवेलेबल करवा दिया गया है जो कि बहुत बेहतरीन बात है। और मैं कहना चाहूँगा कि पीछे आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं। ऑफकोर्स आर्मरेस्ट तो मिलता ही है विद ट्विन कप होल्डर्स राइट ओवर हियर, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट। सो 3 लोग बैठते भी हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल होगा राइड फॉर श्योर, जो कि बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है अर्बन क्रूजर हाई राइडर का मेरे हिसाब से तो। सो डैशबोर्ड ऐसा कुछ दिखता है। यस ऑल ब्लैक इंटीरियर होने के बावजूद बहुत ही ब्लर्स दिख रहा है यार, और पूरा पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल जाता है जो एक्सटेंड होता है ठीक पीछे तक, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। सो लेट्स एक्सप्लोर द फ्रंट सीट्स। सो रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर एंड को पैसेंजर साइड दोनों साइड आपको देखने के लिए मिल सकता है विच इज़ अ फिनोमिनल थिंग। सो लेट्स ओपन इट, आते आप नोटिस करोगे कि इधर आपको पावर विंडोज के कंट्रोल देखने के मिल सकता है। जो ड्राइवर साइड है वो 1 टच डाउन आराम से आप कर पाओगे। लॉक अनलॉक का बटन राइट ओवर हियर, दिस द चाइल्ड लॉक फॉर द विंडोज, या आपके ORVMs के कंट्रोल है जो आप इधर से एक्सेस कर सकते हो फॉर श्योर। नीचे देखा जाए तो इधर आपको 1 लीटर का बॉटल आप इधर रख सकते हो, और थोड़ा सा अगर आपको मैगजीन्स रखने हो पेपर रखना हो तो आप इधर रख सकते हो फॉर श्योर। सो लेट्स गेट इन। सो इधर आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिल सकता है, ऑफकोर्स इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। सो बहुत ही ईजीली एक्सेसिबल कर सकते हो आप इसको, और एल्यूमिनेशन के साथ आती है विच इज़ ग्रेट थिंग। सो इधर आपको हेडलाइट लेवलर देखने के लिए मिल सकता है, ये बेसिकली आपके 360 डिग्री आपको एंगेज करना हो तो आप इधर से कर सकते हो। और जो कैमरा क्वालिटी है इट्स अमेजिंग लिटरली, ये बजट में क्वालिटी फैब है, आप देख ही पा रहे होंगे। वाइट कार है तो वाइट आपको देखने के लिए मिल सकता है, और इसमें अलग अलग आप व्यूज रख सकते हो, लाइक आपको कौन सा व्यू चाहिए है, आपको ब्राइटनेस कितना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट टिंट, सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिल सकता है इधर। यस विच आई थिंक इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। सो मेरे हिसाब से कैबिन बहुत ही अच्छा है। सो डैशबोर्ड पूरा ब्लैक्ड आउट देखने के लिए मिल सकता है, ऑल दो ऊपर आपको हार्ड प्लास्टिक देखने के लिए मिल सकता है, और नीचे आपको सॉफ्ट मटेरियल प्रोवाइड कर दिया गया है जो कि बहुत अच्छी बात है विथ वाइट स्टिचिंग, बहुत ही प्रीमियम लगता है यार। और समहाउ मुझे ब्लैक इंटीरियर ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू द बेज, क्योंकि बेज ज़्यादा गंदा हो जाता है जल्दी, ब्लैक में ऐसा कोई इश्यू नहीं आता है सच। और जो वेंट्स है बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेट किया गया है, आप देख ही पा रहे होंगे विथ सिल्वर ट्रीटमेंट इसमें यूज़ किया गया है, और पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ है बेसिकली, बहुत अच्छे से बेहतरीन क्लासी लुक दे रहा है। हेजल लैम का प्लेसिंग देखा है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है सच, आपको वेंट्स के एकदम सेंटर में देखने के लिए मिल सकता है, और सर्कुलर शेप में प्रोवाइड किया गया है। उसके जस्ट नीचे देखा जाए तो इधर आपको ऑटोमेटिक एसी देखने के लिए मिल सकता है जो कि बहुत ही चिलर है। यस एसी इज़ अ चिलर, बहुत ही अच्छे से काम करती है, और गर्मियों में आपको ऐसा कोई इश्यू नहीं आने वाला।
और इधर से आप ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। ऑटो में डालना तो आप जस्ट वन टच आप इधर से कॉन्फिगर कर सकते हो फॉर श्योर। इधर से आप टेम्परेचर कंट्रोल करोगे और इधर से आप वेंट्स कंट्रोल करोगे। सो जस्ट नीचे देखा जाए तो इधर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन देखने के लिए मिल सकता है एंड ये है आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप। अगर आप सिग्नल पे खड़े रहते हो तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी फ्यूल सेव करने के लिए, विच इज़ अ ग्रेट एडिशन। और जैसे ही आप अपना पैर क्लच में वापस रखोगे गाड़ी अपने आप चालू हो जाएगा। सो नीचे देखा जाए तो आपको USB का पोर्ट देखने के लिए मिल सकता है, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट राइट ओवर हियर। उसके जस्ट नीचे दिखा जाए तो इधर आपको रबराइज जगह मिल जाता है, अपने मोबाइल वॉलेट रखना हो तो आप रख सकते हो। सो 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन प्रोवाइड कर दिया गया, सिल्वर सराउंड राइट ओवर हियर। और उसके जस्ट नीचे कभी स्पेस और ट्विन कप होल्डर्स राइट ओवर हियर। हैंड ब्रेक का पोजिशनिंग भी अच्छा है, ईजिली एक्सेसिबल है मेरे हिसाब से तो। और आर्मरेस्ट दिखा जाए तो ये एक्सटेंड होते हैं और आर्मरेस्ट के जस्ट नीचे थोड़ा सा स्पेस जिसमें आपका वॉलेट आ जाएगा, थोड़ा मोबाइल काइंड ऑफ आ सकता है। यस, सो समहाउ कैबिन मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, इन्फोटेन सिस्टम कैसा है? सो इन्फोटेन सिस्टम देखा जाए तो बेसिकली फ्लोटिंग स्क्रीन दे दिया गया इधर विथ पियानो ब्लैक फिनिशिंग राइट ओवर हियर। और इसमें एक्चुअली बहुत फ्लूइड है, आप देख ही पा रहे होंगे इतने कड़े धूप में भी ये कितना अच्छा क्वालिटी वाला स्क्रीन प्रोवाइड कर रहा है, इट्स अमेजिंग। सो या बहुत ही अलग अलग फीचर्स आपको देखने के लिए मिल सकता है इसके अंदर, जैसे कि सेटिंग देखने के लिए मिल सकता है, वॉल्यूम बैलेंस फ्लैडर साउंड सेंस डिस्प्ले टाइम, ये बेसिकली लोडेड है। बहुत ही टेक अच्छे से इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर और बहुत ही फ्लूइड है, कोई लैग नहीं है सच, कोई भी है सच लैग नहीं है। यस, सो होम बटन में आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने के लिए मिल सकता है। सो इधर आपके बैटरी, इसके बारे में मैं समझाऊंगा, बट इधर आपको बैटरी जो कितना चार्ज है, कितना ड्रेनड आउट हो रहा है, वो सब आपको इधर दिखाई देगा। बेसिकली इसको बोलते हैं एनर्जी फ्लो। इधर आपके रेडियो कौन सा चल रहा है, मीडिया मतलब क्या चल रहा है, वो गाना वो सब आपको इधर देखने के लिए मिल सकता है। या आपके टाइम डेट सब इधर आपको डिस्प्ले करेगा और आपके कौन से फ़ोन से कनेक्टेड है वो भी आपको इधर पता चल जाएगा। सो बेसिकली ये स्प्लिट स्क्रीन लगता है कि अलग अलग सेक्शन वाइज दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि एक ही जगह पे आपको बहुत सारे फीचर्स एक साथ देखने के लिए मिल सक रहा है, विच इज़ अमेजिंग। यस, सो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टच स्क्रीन है। सो लेट्स टेस्ट द ऑडियो राइट अवे। सो ऑडियो क्वालिटी इज अमेजिंग, फैबलेस। इसके अंदर आपको मिल जाते हैं 4 speakers, 2 tweeters और फैंटास्टिक जॉब करते हैं। सो लेट्स यूज द वाइपर राइट अवे। सो बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देते हैं विथ नो टाइम और आई थिंक सो इट्स अमेजिंग का। सो ऑटो हेडलैम्प्स आपको देखने के लिए मिल सकता है। सो रेयर वाइपर्स भी आप इधर से कंट्रोल कर सकते हो, ऑफकोर्स ये बताने की बात नहीं है फिर भी बताया आपको। सो स्टेयरिंग आपको टेलीस्कोपिक देखने के लिए मिल सकता है, जो कि ये प्राइस पॉइंट में बहुत ही बेहतरीन बात है, क्योंकि बहुत ही कम ब्रांड्स ये प्रोवाइड करती है। बहुत ही यूजफुल फीचर है जो ड्राइव कर रहा है उसके लिए। क्रूज कंट्रोल ऑफकोर्स आपको इधर दे दिया गया है और इधर आप मोड्स चेंज कर सकते हो, बेसिकली वॉल्यूम अप डाउन करना हो, मोड चेंज करना हो, ट्रैक चेंज करना हो, सब आप इधर से कर सकते हो। जस्ट नीचे आप देख पाओगे कि इधर आपको कॉल लेना हो, डिक्लाइन करना हो, वॉइस कमांड आप इधर से एक्सेस कर सकते हो बेसिकली। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, दिस इज द वॉइस कमांड। सो बहुत ही अच्छा सा स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिल सकता है। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आया जाए तो इधर आपको ऑफकोर्स बीच में MID देखने के लिए मिल सकता है, चूँकि लोडेड है सच। इधर आपको ड्राइविंग टाइम देखने के लिए मिल सकता है, स्टॉप आइडल मतलब आपका स्टॉप टाइम कितना है और आपने कितना फ्यूल बचा है वो आप देख पाओगे इधर। यस, सो इधर से आप क्लॉक एक्सेस कर सकते हो, मोशन जो आपका जी फोर्स मीटर आपको देखने के लिए मिल सकता है, ये आपका टॉक एंड पावर का जो ग्राफिक्स ये आपको दे देता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। सो दिस बेसिकली एक्सेलरेशन और ब्रेक का ग्राफिकल स्ट्रक्चर आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल सकता है, जो कि एक अच्छा थॉट है बेसिकली। ये है सच, मैंने आपको बताया था जो बैटरी है, बैटरी में कितना चार्ज है, इंजन कब बैटरी से पावर निकाल रही है, जनरेट कर रही है, वो सब आप इधर से देख पाओगे।
सो प्रिटी लोडेड आई वुड से यस. सो हॉर्न देख लिया जाते हैं, हॉर्न भी बहुत ही क्रिस्प है, बहुत प्रीमियम लग रहा है सच. सो लेट्स ओपन द ग्लव बॉक्स. ग्लव बॉक्स दिखाया जाता है डिसेंट साइज का. ऑटो डिमिंग IRVMs देखने के लिए मिल सकता है, वन सन ग्लास होल्डर राइट अवे. इधर आपको लैम्प्स देखने के लिए मिल सकता है जो ऐसे ऑपरेट होते हैं और 3D डिमिंग के साथ आते हैं. सो लेट्स ओपन द सनरूफ राइट अवे. पैनोरामिक सनरूफ देखने के लिए मिल सकता है, इंडियंस का फेवरेट है सच. और लिटरली बोलूँ ये प्रॉपर पीछे तक खुलता है, बहुत बहुत ही मैसिव सा आपको सनरूफ देखने के लिए मिल सकता है इसके अंदर. प्लीज़ मेक श्योर कि कोई आपके फैमिली मेम्बर्स, बच्चे, कोई भी सनरूफ के बाहर ऐसे खड़े रह के ऑपरेट ना करें. वो सही तरीका नहीं है सनरूफ को ऑपरेट करने का, उसका फंक्शनैलिटी के लिए सही नहीं है ये. सो दिस काइंड ऑफ रिस्की आई वुड से. सो लेट्स क्लोज इट. विथ वन टच आप इसको ऑपरेट कर सकते हो विच इज़ अमेजिंग, फैबुलस. और जो क्वालिटी है वो अमेजिंग है, हैज सच टोयोटा के स्टैंडर्ड्स इसमें मेंटेन किया गया है और इट्स अमेजिंग. यस, कैबिन क्वालिटी है, फिट फिनिश है, वो इस गाड़ी में बहुत ही प्रीमियमली दिया गया है. जो टोयोटा स्टैंडर्ड्स है वो इधर है. सो लेट्स ड्राइव इट. सो लेट्स ड्राइव द ऑल न्यू अर्बन क्रूजर हाई राइडर. सो पहली बात मैं बताना चाहूँगा, NVH लेवल बहुत ही अच्छा है. इंजन का साउंड कैबिन के अंदर तो आ नहीं रहा, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है. सो लेट्स गो. जो पुल है वो अमेजिंग है. सो टर्निंग रेडियस देख लेते हैं कितना है गाड़ी का. नो इश्यू लिटरली बहुत ही अच्छे से आप छोटे सड़कों में आप बड़े आसानी से टर्न ले पाओगे. सो एक लॉन्च तो बनता है इस गाड़ी के साथ. सो लेट्स डू इट. ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कंप्लीटली. यस, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, रेविंग द मोटर, लेट्स गो. जापानीज मोटर जो रेव करते इट्स अमेजिंग. सो ये इंजन का मिड रेंज इट्स फैबलेस, फैंटैबलेस लिटरली. जो पुल है मिड रेंज में इट्स अमेजिंग. स्टार्टिंग में थोड़ा सा लाइट लैग है, बट जो मिड रेंज जो पुल है इट्स अमेजिंग. सो है सच जो टॉप एंड है वो थोड़ा सा नॉइजी हो जाता है, बट इट्स ओके. ऑफकोर्स कोई रैश ड्राइविंग तो मैं रेकमेंड नहीं कर रहा इधर, और करना भी नहीं चाहिए किसी को. सो इन सिटी आपको इसमें कोई इश्यू नहीं होगा बिकॉज स्टेयरिंग बहुत ही लाइट वेट है और आप लिटरली आसानी से ट्वेल कर सकते हैं इसको. तो सिटी ड्राइविंग आपका अच्छा होने वाला है. और हाईवे का भी बेसिकली बहुत ही प्लस पॉइंट ये है कि बोनेट आपको दिखता है. हाई राइडर जो नाम दिया गया है लिटरली जस्टिफाई करता है इसको. आप ऊंचे बैठे हो पोजीशन में, आपको अच्छा व्यू दिख रहा है, स्टेयरिंग बहुत कमांडिंग पोजिशन में है आपका, और राइड क्वालिटी अमेजिंग है लिटरली. जो गड्ढे हैं बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं. और वाह ये पुल, ये तो मैं चाहता हूँ यार, जापानीज मोटर्स है, इट्स अमेजिंग. सो इसमें आपको मिल जाता है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन. सो अर्बन क्रूजर पेट्रोल इंजन के साथ ही अवेलेबल है, कोई इसमें डीजल अवेलेबल नहीं है बिकॉज दिस इज द हाइब्रिड. यस, ये गाड़ी हाइब्रिड में आती है जो कि बहुत बेहतरीन बात है मेरे हिसाब से तो, बिकॉज हाइब्रिड इज द फ्यूचर नॉट द EV. हाइब्रिड बहुत ही अच्छे से आपको माइलेज दे देती है और साथ ही साथ ईजिली एक्सेसिबल है. अपने जैसे कि खाली आपको नॉर्मल पेट्रोल स्टेशन में जाना है और पेट्रोल फिल करना है, आपको अच्छा माइलेज भी मिल रहा है, साथ ही साथ आपको आप एनवायरनमेंट को बचा भी रहे हो, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. यस, सो इसका जो ARI क्लेम है वो अराउंड 21 का है, विच इज़ अमेजिंग. और जिसका जो मेन हाइब्रिड, दिस इज नॉट द हाइब्रिड बट इसमें एक और वेरियंट आता है वो फुली हाइब्रिड है, विच इज़ अमेजिंग. या उसका समहाउ 28 किलोमीटर पर लीटर दे देते, ये गाड़ी आपको प्रोवाइड कर सकती है, इट्स अमेजिंग लिटरली. वाओ, गड्ढे आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है, राइड क्वालिटी अमेजिंग है, स्टेयरिंग फील एंड फीडबैक फैबलेस है, इंजन जो मिड रेंज जो पुल है जो चाहिए होता है वो भी अमेजिंग है. NVH लेवल इस गाड़ी का बहुत अच्छा है. सो बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं ये गाड़ी कंसिडर करने के लिए, और मेरे हिसाब से
इट्स वन ऑफ द बेस्ट दी बेस्ट यस इट्स वन ऑफ दी बेस्ट ऑल द वे 6000 आरपीएम तक गया इट्स अमेजिंग सो इसके अंदर आपको ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल सकता है विच इज अमेजिंग आई थिंक सो इसको आप ऑफकोर्स लद्दाख लेके जा सकते हो जो भी लद्दाख इसको लेके जा रहा हूँ ना प्लीज़ मुझे कमेंट करना और टैग करना मुझे लिटरली मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ देखने के लिए आपके वीडियोस क्लिप्स सो दिस वाज माय इन डेप्थ रिव्यू ऑन द अर्बन क्रूजर हाइलाइटर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल थैंक यू